मीरपुर आज़ाद कश्मीर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर तंजीम गैर जदीदा मुलाजमीन के इंतबात पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 4 बजे तक जारी रहा। रोल न्यूज से बात करते हुए इंतजामिया और मुलाजमीन का कहना था कि जाहिद मजीद चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड हूँ, ये हमारा सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। सुबह 8 बजे अलहमदुल्ला बड़ी पुरमन पीसफुल तरीके से इसको शुरू किया गया है, इंशाल्लाह 4 बजे तक जारी रहेगी। बड़ा अच्छा लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सारे जो है मुलाजमीन। तो ये इलेक्शन गैर तंजीम जदीदा मुलाजमीन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर रजिस्टर के दो साल इंतबात हो रहे हैं, तो जिसके चीफ इलेक्शन कमीशन जनाब शेख जैद मजीद साहब और मैं शफीक हुसैन रहमानी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बोर्ड हूँ। अलहमदिल्ला जो हमारे इंतजाम हैं जो आपने भी देखे हैं इंतहा फुल प्रूफ सिस्टम है और पोलिंग बड़े ऐसे तरीके से हो रही है। दोनों जो ग्रुप जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों का एतमाद है कि इस वक्त जो पोलिंग है बड़ी स्मूथली हो रही है, तो आपके सामने है। तो इंशाल्लाह 4 बजे इसका पोलिंग काम होगा, उसके बाद हम रिजल्ट इसका अनाउंस करेंगे। जी रहील अहमद भट्ट नाम है और मैं फ्रेंड्स पैनल उसकी तरफ से सदारती उम्मीदवार हूँ और इंशाल्लाह आज अल्लाह के फजल करम से जो मुलाजमीन का माहौल नज़र आता है उसमें इंशाल्लाह जो है वो एज ए सदर इंशाल्लाह मैं अल्लाह के फजल करम से मुंतखब होऊंगा और मेरा पूरा पैनल मुंतखब होगा। और जो सबसे ज़रूरी मामलात हैं जो अरसा दराज से पेंशन जो है हमारी उसके हवाले से मुलाजमीन जो है ना रिटायर्ड वो अरसा दराज से ज़लीलो ख़वार हो रहे हैं और हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है रियासत भर के मुलाजमीन की यह ख्वाहिश है कि हम रिटायर्ड मुलाजमीन को जो पेंशन है बजरिया एजी उसके लिए इंशाल्लाह जदोजहद करेंगे। उसके अलावा मुलाजमीन काफ़ी हैं यहाँ अदारों के अंदर जो मुश्किल नहीं है उनके लिए इंशाल्लाह सिलेक्शन कमेटियों का हम इंशाल्लाह अहतमाम करने की कोशिश करेंगे और उनको मुश्किल करवाएंगे ताकि हर रोज़ उनकी तनख्वाहें जो बंद कर दी जाती हैं उनसे भी उनको आज़ादी हासिल करके दें। और इसी तरह रिटायर्ड मुलाजम जब होता है 30-35 साल बाद वो अपनी फाइल उठाकर दर बदर की ठोकरें खाता है और उसको मुकम्मल कराने के लिए कभी किसी के पास कभी किसी, और इंशाल्लाह ये भी इरादा है कि रिटायरमेंट से पहले पहले इंशाल्लाह हर उस फर्द की जो रिटायर होगा उसकी फाइलें इंशाल्लाह मुकम्मल करा के उनको दफ्तर से इज्जत से रुख्सत करें। आज आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर में मुलाजमीन के वोट हो रहे हैं। दो ग्रुप आमने सामने हैं, मैं राशिद अली बाज़मी बतौर सदारत का उम्मीदवार हूँ मुलाजमीन इत्तेहाद पैनल की तरफ से। इससे कबल भी जी 2 साल पहले मैंने इलेक्शन लड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह मुलाजमीन ने मुझ पर एतमाद किया था और मैं सदर मुंतखब हूँ। तो आज फिर 2 साल के बाद पोलिंग हो रही है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे पूरी उम्मीद है कि मुलाजमीन हमारे काम को सराहते हुए हमने जो उनके लिए काम किए हैं जो खिदमत मुलाजमीन के दिए हैं उनका हमें भरपूर सिरा देंगे और आज हमें फिर दोबारा वोट की पर्ची से कामयाब करेंगे। तो हमारा जो सबसे बड़ा मसला है जो हमारे मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन का मसला है और अभी तक हमारे लाखों में करोड़ों में बकाया जहाद हैं और मुलाजमीन को पेंशन नहीं। मेरे इस हवाले से जो हमारा सबसे पहला बड़ा तरजीह बुनियादों पर मसला हो गया, हम ये पेंशन का मसला करवाएँ। इस इलेक्शन के नतज में राहील अहमद भट्ट सदर, हनीफ कुरैशी सीनियर नायब सदर मुंतखब,